में सरकार की वायदा खिलाफी के विरोध में दुर्ग में किसानों ने किया प्रदर्शन। प्राकृतिक आपदा से फसलों की क्षति पर राहत और सड़क निर्माण से प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग। राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सहित केंद्र सरकार द्वारा किसानों से किए गए वायदों को अब तक पूरा नहीं किए करने के मुद्दों पर 21 मार्च को पूरे देश में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जिस पर राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा में लिए गए निर्णय के अनुपालन में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा सोमवार को गांधी प्रतिमा स्थल के पास प्रदर्शन कर दुर्ग कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई। संगठन द्वारा मौसम की प्रतिकूलता के कारण खरीफ फसलों को हुई क्षति के लिए प्राकृतिक आपदा राहत राशि प्रदान करने और जिले में भारत माता परियोजना, ADB परियोजना और PWD परियोजनाओं के अंतर्गत सड़क निर्माण तथा चौड़ीकरण से लगाने और आबादी भूमि के प्रस्तावितों को नियम अनुसार 2 गुणांक से मुआवजा राशि देने की मांग रखी गई। इस संबंध में न्यूज टीम को राजकुमार गुप्त और IK वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज पूरे देश में किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा जो है राष्ट्रीय स्तर पर, मोदी सरकार ने जो 3 कानून वापस लिए थे, उस समय जो वादे किए थे मुख्य रूप से MSP के लिए गारंटी कानून बनाने का, उसे अभी 4 महीने हो गए हैं, वो अभी तक वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया है। आज मुख्य रूप से पूरे देश में विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन की ओर से यहाँ दुर्ग में आज का आयोजन हमने किया। स्थानीय स्तर पर हमारे संगठन ने राज्य सरकार के वायदों को भी जोड़ा है। उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, मगर उसमें से कुछ मुख्य रूप से जो तात्कालिक समस्याएँ हैं वायदों के अलावा, जैसे मौसम की प्रतिकूलता के कारण फसल खराब हुआ, RBC 6000 में राहत राशि देने का वादा इन्होंने किया, आज मार्च महीना मतलब ये वित्त वर्ष खत्म होने जा रहा है, राहत राशि का कोई अता पता नहीं है, किसानों में भारी असंतोष भी है, आशंका भी है मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में 3 बड़े प्रोजेक्ट के अंतर्गत सड़क निर्माण या सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, भारत माला परियोजना, ADB परियोजना और स्टेट रोड डेवलपमेंट परियोजना, इसमें गांव-गांव में सड़कों का निर्माण हो रहा है, आबादी के कब्जे तोड़े जा रहे हैं, नियम कायदा कानून के हिसाब से जो चलना चाहिए सरकार को, एक ही जिले में अलग अलग इसके लिए कायदा कानून है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कानून अलग है, गृह मंत्री के क्षेत्र में कानून अलग है, तो ये जो भेदभाव यहाँ हो रहा है बिना मुआवजे दिए तोड़ फोड़ हो रहा है, ये मुद्दा भी आज के हमारे इस आंदोलन में शामिल है। हम लोग निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि एक दबाव बना करके सरकार को वायदा निभाने के लिए या कानून का पालन करने के लिए मजबूर करें। यदि सरकारें फिर भी अपना वायदा नहीं निभाती है, किसानों के साथ विश्वास जारी रखते हैं, तो ये निश्चित बात है कि इनको किसानों का वोट जो है जो चुनाव में लोकतंत्र में जरूरी है, हम ये प्रयास करेंगे कि इनको इतना भय पैदा कर दें कि यदि इन्होंने किसानों को संतुष्ट नहीं किया तो किसानों का वोट इनको नहीं मिलने वाला है, तो एक वोट को हम एक हथियार बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा आंदोलन है आज, केंद्र की सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस लेने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनी गारंटी से लेकर के बहुत सारे वादे उन्हें किया था, लेकिन यह सरकार आज तक के नकारा और निकम्मा साबित हुआ है, उन्होंने उसका पालन नहीं किया है, बल्कि और किसानों को घेरने के लिए अलग अलग तरीके से दूसरे रास्ते से और भी कानून बनाने के प्रयास कर रही है, इसका पूरा देश भर में विरोध हो रहा है। यही सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी बनाया था जो 2006 में प्रस्तुत हुआ, विगत सरकार ने भी किसानों के साथ खेला और यह सरकार भी किसानों के साथ खेल रहा है, कुल मिलाकर यह किसान विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों के तलवे चाटने वाली सरकार है, उनकी गुलाम सरकार है, इसलिए ये सरकार के खिलाफ पूरे देश में आज कार्रवाई चल रही है, विरोध जबरदस्त और तेज है देश भर में, उसी विरोध के साथ जो है आज इस कार्यक्रम में हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, अब हमारे जिले के अंदर सड़क निर्माण के लिए और भी तरह से किसानों का जमीन जो है, खेती की जमीन, लगानी जमीन जो है, मकान जो है, उसे लिया गया है और आज भी उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं,
और इसके अलावा जो है उसको ठीक से मुआवजा नहीं मिलना, यह भी सरकार के नाकामी और निकम्मा को दर्शाता है। हमारे जिले में पाटन क्षेत्र में भूमिधिकरण का एक अलग कानून से तहत जो है लोगों को पैसा मिलता है, और दूसरे तरफ जो है ग्रामीण के हिस्से में अलग अलग, तो एक ही जिले के अंदर कानून तो पूरा देश में जब बनता है या राज्य में बनता है तो सभी जिलों के लिए, सभी गाँव के लिए, कस्बों के लिए होता है। यह सरकार जो है या प्रशासन जो है किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहा है, यह भी एक आंदोलन का हिस्सा है। वो एक आंदोलन का हिस्सा है, दूसरा ये आंदोलन का हिस्सा है। इसलिए इन मुद्दों पर जो है हम लोग जो है आज जो है सरकार के सरकार के जिला प्रशासन के द्वारा ज्ञापन देंगे। तीसरा मुद्दा यह है भी मुआवजा देने के लिए इन लोगों ने मतलब सर्वे कराया था। सर्वे कराने के बाद में यह सरकार ने भी आज तक किसानों को एक रुपये देने का किसी प्रकार का कोई वादा नहीं कर रही है और न ही किसी को एक रुपये मिला है। यह भी सरकार राज्य सरकार का भी वादा खिलाफी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम जो है वहाँ कलेक्ट्रेट जा करके केंद्र के नाम से संदेश, मुख्यमंत्री के नाम पत्र और इसके अलावा जिला कलेक्टर को भी हम लोग पत्र देने जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।